चलो कंटिन्यू करते हैं कल का टॉपिक सेट थियरी को। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो पेयर द इक्वल सेट्स। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, पेयर करना है इक्वल सेट्स को। जो इक्वल सेट्स है उसको पेयर करेंगे, दैट इज 1, 2, 3, 4। ये कॉमा के बाद, 3 के बाद कॉमा लगा देना, 4। पी क्यू आर एस 1, 4, 9, 16 एक्स वाई जेड डब्ल्यू 16, 1, 4, 9 4, 2, 3, 1 जी है आर पी क्यू एस। इक्वल सेट्स के पेयर बनाने हैं तो पहला ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 एंड 2। तो 1 है 1, 2, 3, 4 एंड 2 है पी क्यू आर एस। तो ये हमारा पेयर नहीं होता इक्वल सेट्स में, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कैंसिल। बी है 1, 5। नाउ 1 एंड 5 को चेक करेंगे तो 1 था 1, 2, 3, 4 एंड 5 में दे रखा है 16, 1, 4, 9। क्या इसको हम इक्वल सेट्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। 1 एंड 6, 1 है 1, 2, 3, 4 एंड 6 है 4, 2, 3, 1। तो ये है 4, 2, 3, 1 और ये है 1, 2, 3, 4। तो इसको हम इक्वल सेट्स बोल सकते हैं। तो सी इज द आंसर। डी को चेक करते हैं तो 2 है पी क्यू आर एस एंड 7 में भी है आर पी क्यू एस। यस, इसको भी हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर में आपका जो आंसर है वो सी भी है एंड डी भी है। ये दोनों ही आंसर है इक्वल सेट्स के, क्योंकि हमने इक्वल सेट्स में पढ़ा था कि अगर ए एलिमेंट ए बी सी है तो बी में भी ए बी सी होंगे, इररिस्पेक्टिवली कि आप अंदर का जो मटेरियल है उसको आप कैसे भी लिख सकते हो एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे तो सी एंड डी दोनों जाएंगे। एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन को छोड़ के आना होगा, यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि आप कोई भी एक ही एमसीक्यू को मार्क कर सकते हो, आप दोनों एमसीक्यू को मार्क नहीं कर सकते। अभी तो आप ये दोनों मार्क करो। हाँ, एग्जाम में ऐसा चांसेस बहुत कम है। एग्जाम में हो सकता है दे कैन गिव यू, कोई एक ऑप्शन में दे देंगे बोथ एंड डैस करके, तो तब आप उस टाइम पे बोथ सी एंड डी को मार्क कर दोगे। ये ऑप्शन ई में दे रखा होगा तो तब हम ई को टिक करेंगे बोथ सी एंड डी। फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ फाइंड करो पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तब हम ये फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम किस में है। तो यहाँ पे है 4, 5, 6, 7 में 4 एलिमेंट्स, सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल 3 एलिमेंट्स, ए बी में 2 एलिमेंट्स, 1, 2 में 3 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स और इसमें 1 एलिमेंट। चलो 2 एंड 1 चेक करते हैं। 2 एंड 1 ये नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं। 3 एंड 5 तो 3 में है ए बी एंड 5 में है 2 एलिमेंट्स। यस, ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे क्योंकि दोनों में 2-2 एलिमेंट्स हैं। 3 में ए बी है और इसमें दे रखा है। 6 एंड 2, 6 में है 3 एलिमेंट्स। यस, ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेट है। 4, 1 एंड 5 सॉरी ये पॉसिबल नहीं है। तो अगेन ई में होना चाहिए बोथ बी एंड सी, तो उसको हम टिक करेंगे। और अगर ना हो ऑप्शन एग्जाम में तो छोड़ के आना ही हमारे लिए समझदारी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। अब हमें फाइंड करना है कि नल सेट इसमें किस में है। चल तो नल सेट चेक करते किस में होगा। एक्स गिवन दैट एक्स लेस देन एक्स, एक्स गिवन दैट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2। मतलब यहां से भी आपको एक्स की वैल्यू आ सकती है, यहां से भी आपको एक्स की वैल्यू आ सकती है। एक्स गिवन दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 0। अब 0 से
प्लस पॉजिटिव नंबर तो कभी होता ही नहीं है, वो तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये यहां से मुझे क्या देगा, नल सेट देगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जहां से आपको सिर्फ एक आंसर मिले, वन यूनिट। तो वन यूनिट आपको कौन देगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से तो आपको दो वैल्यूज आएगी, एक आएगी प्लस में एक आएगी माइनस में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक्स सॉल्व करूंगा तो रूट माइनस वन में, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। 2x इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां पे लिखा है 3x इक्वल्स टू माइनस टू हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री, जबकि इसने बोला है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ सिंगल टर्न सेट जो है वो थर्ड में मिलता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द आंसर। चलो समझ में आ गया सबको। आपको फाइंड करना है इन क्वेश्चन नंबर 9, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो 1 2 3 4 में से माइनस करो 2 4 6, सो यू विल गेट 1 and 3। फिर यूनियन करना है 2 4 6 माइनस 1 2 3 4, तो यहां से मिलेगा 6, और इसका यूनियन करोगे तो मिलेगा 1 3 6। तो इसीलिए इज 1, 3, 6 इज द आंसर। तो दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। Question 10. A and B are two sets. Then A intersection B minus A क्या होगा, हमें ये find करना है। वो भी सच सही है कि क्या होगा। तो देखो अभी आपने ऊपर ही find किया था B minus A, तो आपने B minus A से ऐसे क्या मिला था आपको। अगर आप बोलते हो तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज क्या, तो आपने कल ये फॉर्मूला भी पढ़ा है कहीं। आप देखो आपकी फॉर्मूला की लिस्ट में कि कहां पे पढ़ा था आपने ये, आपकी फॉर्मूला की लिस्ट में। आप ऊपर वाला ये एग्जांपल ले लो, अगर मैं ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लूं कि मेरे पास ए और बी ये है ओके, और मैं अब इसका ये फाइंड करता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए आपने फाइंड किया ही ऊपर, तो बी माइनस ए का कितना आया था 6, तो आप यहाँ पे लिख देते हो 6। ए की वैल्यू थी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 6, क्या कुछ भी कॉमन है, नहीं है, इसीलिए क्या आ जाएगा, नल सेट। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको उसे हमेशा एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर देना है। ए दे दिया है 1 2 3, बी दे दिया 2 3 4, सी दे दिया है, आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो यही हम लिख देते हैं, ए की वैल्यूज क्या है 1 2 3 है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में कॉमन क्या है, 2 है, यस 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, सिर्फ 2 है कॉमन, तो 2 लिख दिया, विच इज नाउ इक्वल टू 1 2 एंड 3, क्योंकि 1 2 3 का यूनियन 2, तो 1 2 3 रहेगा। तो यू गॉट द आंसर 1 2 3। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, इफ एंड ओनली इफ। ये कब पॉसिबल है कि जब ए इंटरसेक्शन बी भी इक्वल हो ए यूनियन बी के, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए इज इक्वल टू बी हो। तो जब ए इक्वल्स टू बी हो तभी आपके लिए पॉसिबल है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा,
तो हमारी ये फॉर्मूला है कि भाई एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, क्योंकि इज इक्वल टू डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए के पास टू एलिमेंट्स है, बी के पास फोर एलिमेंट्स है एंड ए इज ऑलवेज स्मॉल देन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अगर ए में दो एलिमेंट है और बी में भी चार एलिमेंट है और ए हमेशा बी से छोटा होता है तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, इसीलिए 14 का आंसर है टू। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स देन ए यूनियन बी इज व्हाट, तब ए यूनियन बी को हम क्या बोलते हैं, तो तब हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो। तो ए एंड बी आर द टू सेट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स रिस्पेक्टिवली देन ए यूनियन बी इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश इज ट्रू और फॉल्स। अब उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रूव दैट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए बी वन टू थ्री एंड बी बी टू फोर फाइव। हमारा यूनिवर्स है वन टू थ्री फोर फाइव, ये आप कोई भी नंबर गैस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यही नंबर गैस करना, यू कैन गैस एनी नंबर। अब आप फाइंड करो सबसे पहले कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी में है टू कॉमन, सो नाउ व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होगा, इट विल बी वन थ्री फोर फाइव होगा। तो हमने पहले ये फाइंड कर दिया, अब आप फाइंड करो ए डैश एंड बी डैश। तो व्हाट इज ए डैश इज फोर एंड फाइव एंड व्हाट इज बी डैश वन एंड थ्री। अब इसका यूनियन कर दो, तो ए डैश यूनियन बी डैश तो वन थ्री फोर एंड फाइव, क्या ये आपस में इक्वल हो गए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, तो यस, तो वी से दैट दिस इज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। इफ ए हैज फोर एलिमेंट्स एंड बी हैज थ्री एलिमेंट्स तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फोर है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी थ्री है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 12 एलिमेंट्स, यस, क्योंकि तब नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, तो ये ट्रू हो गया। नाउ नेक्स्ट द स्टेटमेंट 2 बिलोंग्स टू 2 3 5, यस, 2 जो है इसमें बिलोंग करता है, इसीलिए ये क्या होगा ट्रू। द स्टेटमेंट 1 इज अ सबसेट टू 1 2 3, ये सबसेट है एक्चुअली, तो 1 क्या सबसेट है 1 2 3 का, यस 1 इसके अंदर आता है, तो ये भी ट्रू है। द स्टेटमेंट इक्विवेलेंट सेट्स आर ऑलवेज इक्वल इज ट्रू और फॉल्स, यस इक्विवेलेंट सेट्स आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो जब ये इक्विवेलेंट होंगे तो वो इक्वली होंगे क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, तो ये भी क्या है ट्रू है। मैच द फॉलोइंग करना है, ओके, अब मैच द फॉलोइंग करने के लिए फर्स्ट है एक्स गिवन दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, पर मुझे यहां से अगर आप देखोगे तो 2x is equal to 5 है, तो मतलब x की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 5 by 2 मिल रही है, और अगर x की वैल्यू 5 by 2 मिल रही है तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा x की वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए, तो x की वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए तो नेचुरल नंबर तो मुझे मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको टिक करूंगा e, तो दैट मीन्स इसका आंसर e नल जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है वो नल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर तो मिला नहीं, इसलिए इसको हम टिक करेंगे नल।
ए डैश का डैश, तो ए डैश का डैश इज ऑलवेज इक्वल टू ए होता है, तो दैट गोज टू ऑप्शन सी, इसलिए ऑप्शन सी को देंगे 22. तो ये है ए, आंसर इज 22. दैट इज 20, सॉरी नॉट 22, सी लिखूंगा मैं. ए के पास 4 एलिमेंट्स, बी के पास 6 एलिमेंट्स, और ए हमेशा लेस देन बी है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे? तो डेफिनेटली इट विल हैव टोटल 6 एलिमेंट्स, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ जाएंगे, इसीलिए 6 इज द आंसर. तो वी से दैट ऑप्शन ए इज द आंसर, क्योंकि आप यूनियन करोगे, यूनियन का मतलब हो जाएगा 6. So that goes to 23. अरे यार गलत लिख दिया मैंने, यहां पे आएगा 8 और यहां आएगा 23. A B dash is known as A dash union B dash. और ये आपने अभी ऊपर ही प्रूफ किया देखो, क्योंकि इसका मतलब क्या है 24 का, जब आप लिखते हो ए बी डैश तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और यही सेम चीज जो आपने यहाँ पढ़ी वो यहाँ पढ़ी थी आपने ऊपर 16 में, तो इसका इक्वल टू क्या दे रखा है, ए डैश यूनियन बी डैश, और ये अगर मैं बात करूं तो वो इधर आएगा, और इसका आंसर है ऑप्शन बी में. तो ये है बी और ये हो गया 24. A union B is equal to A union C. A union B is equal to A union C हो सकता है कब? जब B is equal to C हो तब. तो इसीलिए A union B is equal to A union C. इसका आंसर जाएगा D. 26. You have been given A 1, 2, 3 and B is given 2, 4. So A cross B. So that is 1, 2, 3 multiply 2, 4. तो अब इसको कैसे लिखोगे? 1, 2 मतलब ये 1, 2 के साथ भी जाएगा and 4 के साथ भी. Now 2, 2, 2, 4, 3, 2 and 3, 4. So this is your A cross B. मतलब ये 1, 2, 4 के साथ, ये 2, 2, 4 के साथ, ये 3, 2, 4 के साथ. So this is your A cross B. In a group of 63 persons, 24 persons take wheat, but not rice. 37 persons take wheat. Then find the number of persons taking rice, but not wheat. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी बना देते हैं. सो एक है वीट, दूसरा है राइस. टोटल 63. 24 परसेंट टेक वीट, 24% वीट मतलब कि ये जो पूरा सर्कल है ये वीट का है, और इस वीट में टोटल 24 लोग हैं. 37% take wheat, sorry, wheat but not rice. वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, I'm really sorry. 24% take wheat but not rice. मतलब 24 यहाँ पे लाई करेगा, इतने से पार्ट में. Wheat लेता है पर rice नहीं. And total 37 लोग हैं जो wheat लेते हैं. Then find the number of persons taking rice but not wheat. मतलब ये find करना है x. तो उन लोग ये फाइंड कर लेंगे, तो 37 माइनस 24 करो तो यू विल गेट 13. और अब मुझे एक्स फाइंड करना है, तो एक्स को फाइंड करने के लिए 63 में से माइनस कर दो 37. तो 63 माइनस 37 तो यू विल सॉरी हम लोग ये कर सकते हैं. हाँ बात एक ही है, तो 63 माइनस 37 तो 26 आएगा, तो ये x की जो वैल्यू है वो 26.
सिक्स हो गया। इन अ क्लास ईच स्टूडेंट्स प्लेज आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। 50 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 30 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। तो फुटबॉल खेलने वाले 50, क्रिकेट खेलने वाले 30, 15 फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलने वाले दोनों। तो क्या होगा, एफ प्लस सी माइनस दिस, 80 में से 15 माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 65, जो एफ यूनियन सी होगा। क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास कितने, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 65। तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तब आप ए और क्रॉस बी करोगे तो माइनस वन जीरो, माइनस वन टू, वन जीरो वन टू। तो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, जीरो 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 वन टू, जीरो टू वन। नाउ व्हाट इज कॉमन ओवर हियर इज वो देखना है। आपको लगता है कुछ भी कॉमन है? नहीं है, इसीलिए नल सेट इज द आंसर। 30, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में कॉमन क्या है, 6 6, 5 1 and 5। तो आई से दैट आंसर इज 5 6। तो यहां पे आपका ये चैप्टर स्वाहा होता है। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा गया है, इन अ सर्वे ऑफ 1000 फैमिलीज इट इज फाउंड दैट 454 इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, 502 यूज गैस, कैरोसिन यूज करने वाले 448, 158 यूज करते हैं गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, 160 यूज करते हैं गैस एंड कैरोसिन, एंड 134 यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड कैरोसिन फॉर कुकिंग। इफ ऑल ऑफ देम यूज एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री, मतलब एक कोई भी एक थ्री यूज करते हैं, देन हाउ मेनी यूज ऑल द थ्री फ्यूल्स, मतलब कि ई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन के हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था कि ई प्लस जी प्लस के माइनस इंटरसेक्शन कर देंगे और ये जो लास्ट में उसको प्लस कर देंगे। तो अब क्या करोगे, कैलकुलेटर पे आप ऐड करो 454 प्लस 502 प्लस 448 माइनस कर दो 158 माइनस 160 माइनस 134। तो यू विल गेट 952 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1000 में से। तो अब एक्स की वैल्यू क्या, 1000 माइनस 952, तो यू विल गेट 48। इसीलिए एक्स की वैल्यू आ गई 48। चलिए क्लियर हो गया चन्नी? यस सर। So we conclude over here that this chapter is over with all the illustration we have seen all right now. 9. Sir, ye 7th wala ek bar explain kar do na illustration. S is a set of all prime numbers 0 less than equal to x less than equal to 9. To yahan se aapko prime numbers nikalne hain. To yahan se aapke prime numbers, matlab s jo hai wo prime numbers honge. Prime numbers kya hote hain, 2 3 5 7 11 13, 17, 19, डॉट 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 चलते जाएंगे।
m आपको दे दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अब आपको फाइंड करना है m माइनस एस एम। तो अब आप m में से s इंटरसेक्शन m माइनस करो तो आपका जो m है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करो। तो s और m में इंटरसेक्शन क्या है, एक है 2, 3, 5 एंड 7 सो 2, 3, 5, 7 माइनस हो जाएगा तो इट विल रिमेन विद 0, 1, 4, 6, 8 एंड 9 बराबर। एंड दूसरा आपको बोला है कि एम यू एन दैट इज एम यूनिवर्स एन एंड दिस इज 0 से लेके 20 तक है, आपको कंबाइन करना है। तो इन शॉर्ट अगर आप कंबाइन करोगे तो ये आपको 0 से 20 ही देगा, तो इसीलिए आंसर इज 0 to 20।